नगर में बीजेपी की वर्चुअल रैली के दौरान भाजपा नेत्री डॉक्टर सरोज पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस को फिर से सत्ता में आने में 25 साल लगेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार शराब के पैसे से चल रही है। अगर केवल एक कंकड़ से पीजिए तो लहरें हाथों में झील जा सकती हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सरकार भी ऐसी सरकार है, इनके नेता को कुछ विषय समझ में नहीं आता है और कांग्रेस के नेता का न अध्ययन है न मना है न चिंतन है। जिन विषयों पर जिस प्रकार से कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी उसकी पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही है। और प्रदेश के पूर्व मंत्री